हे फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं जा रही हूँ मूवी देखने जो आइनॉक्स थिएटर, जो कि मैं अपने भाई के साथ जा रही थी। और यही था मेरा रोड व्लॉग। आई वॉज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी, सो मैं पूरे रास्ते फिर मैं वीडियो बनाए जा रही थी। और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हम पूरी घाट की तरफ से गए, और वहाँ जैसे ही आइनॉक्स पे पहुँचे तो मेरा भाई जो है ओम, वो पार्किंग में चला गया गाड़ी पार्क करने। उसके बाद मैं तब तक ऊपर आ गई, और फिर शायद मैं बहुत दिन बाद जा रही थी ये वाला आइनॉक्स, तो इसी वजह से मेरे को किस तरफ से जाना था ये नहीं पता था। तो फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा कि किस तरफ से जाना है, तो उन्होंने मुझे बता दिया। और फिर लिफ्ट में आने के बाद एक ट्रेजडी ये हो गया कि लिफ्ट बार बार ओपन क्लोज हो रहा था डोर। फिर उसके बाद कुछ लड़के आए, जो कि उन्होंने बता दिया कि ऐसे ही ऑपरेट होता है, ये थोड़ा उसमें फॉल्ट है। उसके बाद फिर हम वापस आने के बाद मैंने जो ग्लास ब्रिज है उस पर वीडियो बनाने के लिए कहा अपने भाई को, और फिर वो मेरा वीडियो बना रहा था। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने हमें मना कर दिया वीडियो बनाने से, बोल रहे थे कि कैमरा इज़ नॉट अलाउड। मैंने कहा कि कहीं लिखा तो नहीं है। फिर उन्होंने मेरा चेकिंग किया, मेरा बैग चेक किया। उसके बाद फिर टिकट्स चेक करने के बाद हम अंदर आ गए, और अंदर आके थोड़ी राहत मिली क्योंकि बाहर इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी। और उसके बाद फिर मैं वॉशरूम गई फ्रेश अप होने, एंड फिर मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो बना लिया जब तक सारे डोर सारे वॉशरूम इंगेज थे। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे जब मैं वॉशरूम गई, I forgot to take my carry bag with me. So what I did was, no, इस disposal bag में I kept my phone, and then I used the washroom. Then मैं वो फ़ोन लेके आ गई। ये अच्छा तरीका था क्योंकि कहीं फ़ोन रखने का जगह भी नहीं था, और मैंने कैरी बैग भी नहीं लिया था। फिर हम वेट करते करते कम से कम आधा घंटा हो गया। उसके बाद हमने 3D goggles लिए, फिर हम स्क्रीन वन में एंटर किए, क्योंकि हमारा स्क्रीन वन में ही था, सीट्स बुक थे। और ये मेरा भाई मेरे आगे चलते जा रहा है, और अंदर तो इतना अच्छा लग रहा था, मतलब क्या ही बताऊँ। बाहर ऐसी गर्मी थी ना, जैसे लग रहा था कि राजस्थान से सीधे शिमले में शिमला आ गए, शिमला एंट्री कर लिया हमने। फिर मूवी स्टार्ट होने से पहले मैंने कुछ अपने कुछ टेक्स लिए, कुछ वीडियोस बनाए। उसके बाद हमने फिर हमारा फिर मूवी स्टार्ट हो गया। मूवी स्टार्ट होते ही कितने जल्दी ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। और फिर हम वापस आ गए, वापस हम गैरेज की तरफ जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप यूट्यूबर हो? मैंने कहा कि हाँ, रिसेंटली स्टार्ट किया। आपके फॉलोअर्स कितने? बोले कि 10,000। ओके, ऐसे करके चले गए। मेरे को तो लगा ऐसे क्यों फेस बना रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। कोई बात नहीं, वॉट एवर हैपन्स इज हैपन्स फॉर अ रीज़न, सो आई डोंट माइंड। एंड फिर हम वापस आ गए, वापस घर चले गए। वापस घर जाते वक्त ट्रैफिक जाम हो गई थी, क्योंकि मे बी किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तो इसी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था। और फिर वहाँ से हम आ गए सीधे हाई कोर्ट पापा से मिलने। हम वहाँ से पापा से मिलने आ गए, और उसके बाद आज का वेदर भी बहुत ही अच्छा था। इतना अच्छा था ना कि ह्यूमिडिटी थी बट धूप नहीं था, तो इसी वजह से थोड़ा अच्छा लग रहा था। और किसी को भी अगर घूमने जाना था तो आज का दिन वॉज बेस्ट टू रोम आउट विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली। तो ये रहा पापा का ऑफिस। उसके बाद हम पापा से मिलने के बाद हम वापस चले गए, वापस आ गए। और ये कटक है, और ये इतना ब्यूटीफुल हो गया है ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था घूमने में, और
ये है जुडिशियल अकेडमी एंड यहाँ पर आई थिंक कुछ पार्क बन रहे हैं और ये जो फेरी लाइट्स लगा दिए थे ना स्ट्रीट लाइट में और ये तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था. इट्स ऑसम, इट्स रियली लुक्स ऑसम. लाइक मुझे तो कोलकाता की याद आ जाती है कि कोलकाता में तो मैंने बचपन से ही फेरी लाइट देखे हैं स्ट्रीट लाइट्स में, तो ये भी रिनोवेशन मेरे को अच्छा लगा कटक के स्ट्रीट्स पे. एंड मैं वापस आते वक्त आने के बाद मैंने घर के सामने अपने भाई को बोला वीडियो बना तू चल मेरा, तूने कुछ नहीं किया है. तो उसके बाद फिर वो बेचारा आके थका हारा मेरा वीडियो बनाने लग गया. फिर हम वापस आ गए और ये है मेरे घर की एंट्री. ये मैंने घर पे एंटर किया, उसके बाद स्टेयरकेस है क्योंकि हम ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं. तो आके फिर मैंने रेस्ट किया और क्या ही करती, इतनी गर्मी थी बाहर और टायर्ड भी हो गई थी इतने देर तक बैठ के. फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने अपनी चिकन मोमोज एंजॉय किया और इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था, मैंने कहाँ से लिया क्योंकि तब मुझे टाइम नहीं मिला. ओके अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया देन लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर.